हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल. और वो ही प्रॉब्लम हम लोगों की कि अब दोबारे से हम लोगों को अपनी वीडियो क्लासेस शुरू करनी पड़ रही हैं. एंड डेफिनेटली आप लोग मुझे पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है. आई थिंक मैंने फोर्थ सेमेस्टर वालों को पढ़ा रखा है, बट मैंने सेकेंड सेमेस्टर वालों को सेकेंड येस डेफिनेटली मैंने सेकेंड सेमेस्टर वालों को भी पढ़ा रखा है. तो मैं आप लोगों से बस एक ही चीज कहूंगी कि दोबारे से कोविड का जो ये जो नया स्ट्रेन है, या फिर कोविड की वजह से दोबारे से जो हम लोगों को वीडियो क्लासेस शुरू करनी पड़ रही हैं, तो उसके लिए प्लीज आप सब इन वीडियो को देखिए, आप जूम मीटिंग अटेंड कीजिए. क्योंकि जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को भी मतलब एक तरह से देखा जाए कि एनहेंसमेंट नहीं मिलेगा, और ना ही हम लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं. अगर हम आप लोगों के लिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों के लिए हम लोग जूम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप उस वीडियो को देखें भी, आप उस जूम मीटिंग को अटेंड करें भी. क्योंकि देखिए, अब तक मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि ट्रांसपोर्ट की वजह से, कि उनके यहाँ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, इस वजह से वो नहीं आ पाते थे. तो उसका भी सोल्यूशन अब हो चुका है. आप घर बैठे बैठे वीडियो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो क्लासेस भी देख सकते हैं और जूम मीटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट तो अब सब जगह अवेलेबल है. ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप लोग घर पर बैठे बैठे हम लोगों की ये जो सारी फैसिलिटी है इसको एंजॉय कर सकते हैं, तो प्लीज एंजॉय कीजिए. इनफैक्ट आपको जो हमारी वीडियो में कमी दिख रही है वो प्लीज प्लीज हम लोगों को बताइए. क्योंकि जब तक आप लोग नहीं हमें बताएंगे, तब तक एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा. क्योंकि तुम्हारा फीडबैक देना हम लोगों को इसलिए जरूरी है कि जो भी तुम लोगों की क्वारी होंगी या तुम्हें जो भी नहीं समझ में आ रहा होगा, वो एग्जैक्टली तुम लोगों के बताने पर ही हमें पता चलेगा, और उसको हम तभी इम्प्रोवाइज कर पाएंगे. अदरवाइज तो ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं, और अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाते रहेंगे. तो बेटर है कि प्लीज आप लोग ये वीडियो देखिए, प्लीज वॉच द वीडियो, अटेंड द वीडियो जूम क्लास, एंड देन आफ्टर ओनली, ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट इंटरेक्ट विद ईच अदर. हम लोग उसके बाद ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और मैं तो कहती हूँ, कहीं ना कहीं ये जो कोविड हुआ है, दोबारे से तुम लोगों की वीडियो क्लासेस शुरू हुई है, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा हो सकता है. क्योंकि हमें हर चीज में पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर लेकर चलना चाहिए कि ठीक है, सब कुछ अच्छा ही होगा. ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अपनी इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास शुरू करते हैं. एंड यू नो वेरी वेल सेकेंड सेमेस्टर के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो डायरेक्ट टैक्स पढ़कर आए हैं. ठीक है, एंड माय डियर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट की मैं, अगर आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स भी मैंने पढ़ाया था, अब आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी मेरे पास है. ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को उस टाइम पर डायरेक्ट टैक्स नहीं समझ में आया, या फिर कुछ लोगों को आया कुछ को नहीं समझ में आया, मे बी आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए. अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो शायद मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ. ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग अपनी इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास शुरू करते हैं. आप लोग जानते हैं कि वॉट इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज वेन द क्या आपका असेसी हैव टू पे द टैक्स डायरेक्टली. द असेसी कैन नॉट ट्रांसफर द क्या आपका द टैक्स बर्डन ऑन एनीवन. क्लियर हो गया, इन द डायरेक्ट टैक्स. मैंने आप लोग को साफ साफ डायरेक्ट टैक्स में बताया था कि जब असेसी अपने बर्डन को किसी और पर शिफ्ट नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता है, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स. बट द इनडायरेक्ट टैक्स इज वॉट, नाम से ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स. देखिए सीधी सी बात है, जब भी हम लोग कोई भी सर्विस इंजॉय करते हैं, जैसे लाइक वी क्या कहते हैं, मतलब वी आर ऑन द क्या आपका आज हम एक मतलब कैजुअल मोड में है, वी डोंट वांट टू कि भाई मैं घर में कुक करना चाहती हूँ एंड ऑल, कि मैं इनको बोलती हूँ, कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ठीक है आज मेरा मन नहीं है घर में बनाने का, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं उसके क्यों ना हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं. तो वेन वी गो फॉर द क्या आपका फॉर द डिनर, ठीक है, टू द क्या आपका रेस्टोरेंट, एंड डेफिनेटली वेन वी मतलब गिव द क्या आपका ऑर्डर फॉर द क्या आपका चपाती एंड वेजिटेबल एंड वट एवर, जो भी हम लोग विच वन मतलब विद क्या वेजिटेबल वी लाइक, ठीक है, जो भी हम लोग उनको ऑर्डर करते हैं, देन दे प्लेस द क्या आपका ऑर्डर. ठीक है, तो डेफिनेटली देन आफ्टर वेन दे क्या आपका गिव द क्या आपका बिल, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके बिल में नॉट ओनली दे मेंशन द क्या आपका वट इज, वो क्या केवल मेंशन करते हैं, वो ना केवल जो जो जो, जो उन्होंने हमें खिलाया होता है उसकी अमाउंट वो मेंशन करते हैं, बल्कि दे ऑल्सो मेंशन द क्या आपका द टैक्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द क्या आपका इनवॉइस, की वो जो बिल होता है उस बिल के अंदर इनवॉइस के अंदर ना केवल जो खाया होता है वो होता है, बल्कि एग्जैक्टली उसके साथ इनवॉइस के साथ अटैच होती है कुछ के आपका जीएसटी. आपने देखा होगा कि जीएसटी में आपका सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, इस तरह से लग के आपकी फिर टोटल क्या होती है, अमाउंट होती है. तो उसमें क्या होता है कि जो आप लोगों ने क्या किया, जो टैक्स है वो आप ही ने पे किया. डेफिनेटली व्हेन यू टुक द क्या आपका सर्विस,
या यू इंजॉय द कि आपका मील ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द कि आपका द रेस्टोरेंट टू यू ठीक है, तो डेफिनेटली उन्होंने आपसे जो भी आपको उन्होंने प्रोवाइड किया उसके बदले उन्होंने आपसे अपने अपना जो प्रोवाइड किया उसका पैसा लिया, एंड साथ में उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की गई है गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है, उन्होंने वो भी उसके साथ अटैच किया, एंड देन उसके बाद उन्होंने परफेक्ट बिल बनाकर हमको दिया ठीक है। तो उस केस में आप पे आप ही ने किया उसको, बट एग्जैक्टली आपके बिहाफ पर वो कौन पे कर कर आया, वो होटल वाला पे कर कर आया किसको, सरकार को। इज इट क्लियर गाइस ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमने अपना टैक्स पे करने का बर्डन है वो हमने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, वो हमने सरकार के ऊपर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने किसको दे दी, सरकार को दे दी ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, कि जहां पे असेसी नहीं किया बट एग्जैक्टली उसको पे करने का बर्डन उसने जो प्रोवाइडर है, चाहे वो गुड्स प्रोवाइडर हो चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड द क्या आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर गाइज, अगर आप लोग जानते हो अच्छे से ठीक है, कि वैसे आपने सुना होगा क्योंकि आज आज के टाइम में जो भी होता है हमारे मतलब हमारी इकोनॉमी में या कुछ भी, वो इतना ज्यादा मीडिया उसको क्या कहते हैं स्प्रेड करती है, इतना मीडिया में वो इतना उछलता है कि अल्टीमेटली हर कोई बंदा जानता है। तो यू नो वेरी वेल जीएसटी इज लॉन्च इन द ईयर इज 2017, यस, एंड द डेट इज 1 जुलाई। यस डेफिनेटली आप लोग को पता होगा कि जो एक्साइज है या डिफरेंट डिफरेंट ऑफ क्या आपका मल्टीपल ऑफ क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर कर आपका जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को ठीक है। उसका नाम है जीएसटी इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है, जो बेसिकली गुड्स पर भी इम्पोज होता है और सर्विसेज पर भी इम्पोज होता है। और बेसिकली ये जो टैक्स है ठीक है, ये पूरे एंटायर नेशन का आपका सारे सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स है। तभी तो इसको जब लॉन्च किया गया था ये तो बोला गया था वन नेशन वन टैक्स, क्लियर हो गया। क्योंकि इसने जब ये आया था तो एग्जैक्टली इसने बहुत सारे टैक्सेस को क्या किया था आपका, रिपील कर कर ये टैक्स आया था। तो अल्टीमेटली ये हम आगे की अपनी क्लासेस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को आपका सिलेबस दिखाना चाहूंगी ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गाइज। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो आपकी यूनिट वन है उसके अंदर बेसिकली दे एक्सप्लेन द क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। ऑब्वियसली डेफिनेटली जब भी हम लोगों को कोई नया एक्ट पढ़ाया जाता है तो उससे पहले बताया जाता है कि जो हमारा पुराना एक्ट था वो क्या था, उसमें क्या कमियां थी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब भी कोई नया लॉ आता है तो पुराने वाले लॉ की तो क्या की जाती है, थोड़ी बहुत बुराई की जाती है, बात तो फैक्ट है। वही वाला एग्जाम्पल है कि जब कोई क्या कहते हैं बहू आती है नहीं, तो उसके सामने क्या कहते हैं उसको अच्छा करने के लिए पुरानी बहू की थोड़ी बहुत तो हमें क्या करनी पड़ती है, बुराई करनी पड़ती है। अरे ठीक है, हमारा जो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम था वो पुराने टाइम पे ठीक था, बट जैसे जैसे वो कहना टाइम हैज बिन चेंज, तो डेफिनेटली द सिस्टम हैज बिन चेंज एंड द क्या आपका थिंग हैज बिन चेंज। हर चीज क्या होती है आपकी, चेंज होती है। तो जब सब कुछ चेंज होता है तो हम लोगों को क्या भी करना पड़ता है, उसके हिसाब से लॉ भी चेंज करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज द क्या आपका अवर एंटायर ओल्ड जो क्या इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो था उसको करना था, तो उसको चेंज करके बिलोंग्स द क्या आपका जीएसटी ठीक है। तो उसके डेफिनेटली उन्होंने उसके कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये सब करके उसके बाद उन्होंने बताया। एंड देन उसके बाद फिर कि जीएसटी को लाने से बेसिकली हम लोगों को क्या क्या फायदे हुए, ये सब इन्होंने फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या एक्सप्लेन किया है। एंड देन उसके बाद फिर इसका स्ट्रक्चर, एंड यू नो वेरी वेल जीएसटी इसका क्या कहते हैं बायफर्केटेड ठीक है, इंटू क्या आपका फोर सिस्टम एसजीएसटी। यस डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि जो जीएसटी है वो एक केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही टैक्स नहीं है, इसमें स्टेट का भी हिस्सा होता है, इसमें सेंट्रल का भी हिस्सा होता है और यूनियन टेरिटरी का भी हिस्सा होता है, क्योंकि सबको मिलाकर एक वन नेशन वन टैक्स है, तो इसमें सबको जाता है। एंड डेफिनेटली क्योंकि आप लोगों को जरूरी नहीं है कि वी ओनली ट्रांजेक्ट विद द कि आपका इंट्रा स्टेट, वी आर नॉट ओनली इंडल्ज इन द कि आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, वी आर ऑल्सो इंडल्ज इन द कि आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो डेफिनेटली उसके लिए आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब डेफिनेटली
कि किस गुड्स के ऊपर, किस सर्विस के ऊपर या किस कॉमोडिटी के ऊपर हमें कितनी क्या लगाना है, टैक्स लगाना है, किसके ऊपर नहीं लगाना है, वो डेफिनेटली रिकमेंडेड बाय द क्या आपका जीएसटी काउंसिल. ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल इज अ वेरी इज ए क्या आप जैसे एक तरह का आप पैनल बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपके बहुत लिटरेट और बहुत हमारे हाईली प्रोफाइल क्या होते हैं पर्सन होते हैं, जो बेसिकली बताते हैं कि क्या होना, मतलब किस पर कितना टैक्स होना चाहिए. एंड द जीएसटी नेटवर्क ऑब्वियसली इसके बिना इज नॉट पॉसिबल कि आप किस तरह से जीएसटी को इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड द स्टेट कंपनसेशन की सीधी सी बात है, क्योंकि सम टाइम आप लोगों को पता है जब कोई पुराना टैक्स हटता है तो उसका बहुत कई बार क्या हो जाता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को बहुत नुकसान हो जाता है. तो मैं आपको बता दूं, जब तक जीएसटी 5 ईयर्स तक, जब से लॉन्च हुआ है और 5 ईयर्स तक ये क्या करेगा, उस स्टेट को कंपनसेट करेगा जिसको जीएसटी लगने की वजह से क्या हुआ है, नुकसान हुआ है. ठीक है, सेकेंड यूनिट में बताया जाएगा फिर इसके बारे में कि ये कब लेवे होता है, क्योंकि सीधी सी बात है जब तक एक टैक्सेबल इवेंट क्या नहीं होगा, बनेगा नहीं, तब तक क्या नहीं होगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. तो डेफिनेटली ये कब लेवे होता है एंड जीएसटी इज कलेक्टेड बाय हूम एंड द क्या आपका मतलब जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्या आपका हूम, कि किस किस में वो बढ़ता है, कैसे कैसे वो बढ़ता है, ऑल सच थिंग्स इज मेंशन इन द क्या आपका यूनिट 2. एंड देन उसके बाद डेफिनेटली कि इसका लास्ट बर्डन किसके ऊपर पड़ता है. ठीक है, क्योंकि उससे पहले जहां जहां पर जो जो बंदा जीएसटी पे करता है, डेफिनेटली इट विल क्या कहते हैं टुक बाय द क्या आपका इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि आप लोगों को पता है आईटीसी इज व्हाट, आईटीसी के फॉर्म में ले लिया जाता है ये. ठीक है, एंड देन उसके बाद लास्ट में इसका बर्डन जो कंज्यूमर है, जो उसको फाइनली कंज्यूम करता है, उसके ऊपर पड़ता है. एंड द क्या आपका फोर्थ इज रजिस्ट्रेशन एंड असेसमेंट प्रोसीजर, डेफिनेटली क्योंकि इसमें ये बताया जाएगा कि व्हेन यू योर टर्नओवर इज क्या आपका एक्सीड दिस लिमिट, तो योर रजिस्ट्रेशन इज क्या आपका मैंडेटरी. एंड इफ यू आर नॉट कवर्ड अंडर इन दिस क्या आपका, मतलब अगर आपका टर्नओवर इज बिलो द क्या आपका दिस लिमिट, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द क्या आपका रजिस्ट्रेशन, दैट विल बी मेंशन इन द क्या आपका यूनिट 4. एंड द क्या डेफिनेटली यूनिट 5 इज यूनिट 4 तक, ठीक है, यू आर ओनली क्या कहते हैं रेड द क्या आपका ओनली क्या आपका जीएसटी. एंड यूनिट 5 इज ओनली रिलेटेड टू कस्टम लॉ. ठीक है, कस्टम इज व्हेन यू इंपोर्ट समथिंग और एक्सपोर्ट समथिंग. ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल इंपोर्ट इज व्हेन यू क्या कहते हैं परचेज समथिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एंड व्हेन यू क्या कहते हैं सेंड समथिंग, ठीक है, फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया. तो डेफिनेटली क्या कहते हैं विच रूल इज एप्लीकेबल इज अ कस्टम लॉ इज एप्लीकेबल. मैंने आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बताया, तो अल्टीमेटली कस्टम लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है. ठीक है, तो उसके लिए हम वो दैट विल बी क्या कहते हैं रेड इन द क्या आपका आपका यूनिट 5. ठीक है, तो इसके साथ ही मेरे बच्चों आई एक्सप्लेन द क्या आपका कंप्लीट जो हमारा क्या है कंप्लीट एक तरह से हमारा जो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया. इसके साथ ही मैं आप लोगों को अब बाय बाय गुड बाय कहना चाहूंगी, क्योंकि सेकंड क्लास से हम लोग अपनी प्रॉपर फुल फ्लैश तरीके से अपनी पीपीटीज के साथ क्या कहते हैं वीडियो के साथ जूम मीटिंग के साथ हम लोग अपनी पूरी शुरुआत करेंगे अच्छे से. आज तो केवल जो ऊपर ऊपर से जो तुम्हारा पूरा पूरा सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का इन डायरेक्ट एक्सो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया. अगर तुम लोग को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जूम मीटिंग पर क्या कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं. इसके साथ ही बाय बाय मेरे बच्चों. ठीक है, और टेक केयर एंड प्लीज डोंट गो आउटसाइड विदाउट मतलब विदाउट एनी नीड. अगर इफ यू हैव नीड तो डेफिनेटली यू शुड गो, बट इफ यू डोंट हैव नीड, ठीक है, अगर आपका घर में रहकर काम चल सकता है तो यू शुड स्टे इनसाइड योर हाउस, बिकॉज बाहर जाना इज कंप्लीटली डेंजरस. ठीक है, ओके, बाय गाइस, टेक केयर.